नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम पढ़ेंगे वनस्पति भोज्य पदार्थ खाद्यान्न और दालों के बारे में। प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पौष्टिक मूल्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसमें उपस्थित जो कार्बन हाइड्रोजन कार्बोज वसा प्रोटीन विटामिन खनिज लवण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जब तक हमें भोजन का पौष्टिक मूल्य ज्ञात नहीं होता, तब तक हम संतुलित और पौष्टिक भोजन का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो भोजन का पौष्टिक मूल्य जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो भोजन को पोषण जो वैज्ञानिक है उन्होंने पौष्टिक मूल्य के आधार पर भोज्य पदार्थों को 4, 5, 6, 7, 11 आधारभूत जो भी भोज्य समूह है उनमें वर्गीकृत किया गया है, जिसमें कि आपका अनाज तृण धान्य हो गए, दालें हो गए, सब्जी हो गए, फल हो गए, वसा हो तेल हो गए, शक्कर गुड़ हो गए, मसाले और पेय पदार्थ में आपके चाय कॉफी कोक दूध के मांस मछली के अंडा के और अन्य जो भोज्य पदार्थ है वो। तो उस प्राप्ति साधन के आधार पर भोज्य पदार्थों को दो वर्गों में बांटा गया, वनस्पति भोज्य पदार्थ और प्राणी भोज्य पदार्थ। वनस्पति भोज्य पदार्थ कौन से हैं आपके? दाल हो गए, अनाज हो गए, सब्जियां हो गया, फल हो गए, मसाले हो गए, सूखे मेवे, शक्कर गुड़ वसा तेल चाय कॉफी आदि। और प्राणी में दूध मांस मछली अंडा ये आते हैं। तो वनस्पति भोज्य पदार्थ हैं इनका क्या है कि मानव के लिए अमूल्य वरदान ही होते हैं। और जो भी सब्जी हो गए, पेय पदार्थ, अनाज, उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये वनस्पतियाँ अत्यंत आवश्यक होती है। तो इन पदार्थों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। इसके मुख्य कारण क्या है? ये सस्ते होते हैं और अमीर हो या गरीब सभी इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका संग्रह करना आसान होता है, संग्रह करने से ये लंबे समय तक उपयोग किए जा सकते हैं। ये मुख्य ऊर्जा उत्पादक है, मतलब ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इनके सेवन से तृप्ति मिलती है। इनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं और इनकी पैदावार अधिक होती है। संग्रह के पश्चात इनके पोषक तत्वों का क्षय अत्यंत ही कम मात्रा में या मंद गति से होता है। और अनाज उपजाने में कम श्रेय एवं साधन की आवश्यकता होती है। कुछ खाद्यान्न तो ऐसे भी हैं जिन्हें उगाने में अत्यंत श्रम लगता है, वे बंजर भूमि में भी अत्यंत श्रम लगता है, ये बंजर भूमि में भी उग जाते हैं। अब आते हैं अनाज के बारे में पढ़ते हैं। अनाज जो है ये अंग्रेजी के सीरियल्स, इसमें अंग्रेजी में सीरियल्स कहते हैं। और इस शब्द की उत्पत्ति क्या है? यूनानी भाषा सिरिज से हुई है, जो प्राचीन काल में यूनान में सिरिज एक देवी मानी जाती थी जो कि खाद्यान्न एवं फल की संरक्षिका होती थी। तो इन्हीं के नाम पे अनाजों का सीरियल्स नाम दिया गया है। और आहार जो उसमें खाद्यान्नों में प्रमुख स्थान है अनाज का। अमीरों गरीब बालक वृद्ध सभी के लिए अनाज जो है भोजन के रूप में प्रतिदिन लिया जाता है। तो अनाजों की जो ये कौन कौन से अनाज इसमें आते हैं आपके हो गए चावल गेहूं बाजरा मक्का जौ राई जई। और इनके इनमें क्या होता है? कार्बोज की अधिकता होती है और इनमें उपस्थित जो प्रोटीन होता है वो अपूर्ण प्रोटीन होता है। अब आते हैं अनाजों की रचना के बारे में। देखिए अनाज की रचना जो है वो रंग रूप आकार स्वाद सुगंध भिन्न भिन्न होता है। और इस डिफरेंस मतलब विभिन्नता के कारण मुख्य आधार खाद्यान्न का वह हिस्सा है जिसमें भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और अनाज का एक एक दली होते हैं। अनाज के तीन हिस्से होते हैं, आउटर लेयर होता है और उसके बाद आपका इसके ठीक नीचे
एल्यूरॉन लेयर होता है, और इसके नीचे एंडोस्पर्म होता है और फिर जर्म होता है। तो आउटर लेयर के बारे में पढ़ते हैं। अनाज का जो वाम आधारभूत ब्रेन इसको बोलते हैं, आई जो आउटर बाहर का लेयर है और इसके जस्ट नीचे का इनर लेयर, इन दोनों को मिला के ब्रेन कहते हैं। यह मतलब बाहरी आवरण या भूसी जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज की अधिकता होती है, साथ ही इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण भी कुछ मात्रा में होते हैं, और इसका उपयोग खाने में नहीं किया जाता है। यह संपूर्ण अनाज के भार का लगभग 5% होता है। एल्यूनॉर परत जो होता है, यह परत दानों के बाहरी परत के ठीक नीचे उपस्थित रहता है, जो आउटर लेयर है इसके ठीक नीचे उपस्थित रहता है यह परत। इसमें क्या होता है, फास्फोरस रेशा थायमिन की प्रचुरता रहती है, फास्फोरस फाइबर और विटामिन B1 की अधिकता होती है। यह परत अनाज भार का 4% होता है, परंतु एल्यूनॉर में उपस्थित जो फास्फोरस है वो फाइटिक अम्ल के रूप में रहता है, फाइटिक अम्ल के रूप में रहता है। इस कारण इसका उपयोग शरीर द्वारा पूर्णतः नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा शरीर जो है फाइटिक को पचा नहीं पाता है। उसके बाद आता है इंडोस्पर्म, ये हो गया आपका इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो है दाने का अंतः भाग, भ्रूणपोष इंडोस्पर्म कहलाते हैं। यह दाने का मुख्य भाग होता है, इसमें मुख्यतः कार्बोज की प्रधानता होती है और अत्यल्प मात्रा में प्रोटीन, खनिज लवण की उपस्थिति रहती है। फाइबर की मात्रा नगण्य होती है। यह अनाज भार का 52% भाग होता है। और लास्ट में आता है भ्रूण, एम्ब्रियो या जर्म। अनाज के दानों में भ्रूणपोष से स्कुलेटम द्वारा जुड़ा रहता है, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म से स्कुलेटम के द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें भ्रूण एवं भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं। और जो सभी अनाज का कैलोरी मूल्य एक समान होता है, 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और अनाजों में 60 से 80% तक कार्बोज तथा 11% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। अब आते हैं गेहूं के बारे में पढ़ने में। खाद्यान्न के रूप में जो गेहूं का है, इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। विश्व में लगभग सभी देशों में गेहूं का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं, और भारत में इसका उपयोग तो बहुत पहले से, लगभग 5000 ईसा पूर्व से होता आ रहा है। जैसे गेहूं की रोटी बनाना, ब्रेड, केक, बिस्किट, दलिया, सूजी, बेकरी और भी अन्य पदार्थों में। तो संपूर्ण विश्व में गेहूं का जो उत्पादन किया जाता है वो सामान्य गेहूं, मैक्रोनी गेहूं और क्लब गेहूं, ये 3 प्रकार है। और भारत में क्या है, भारत में भी विभिन्न प्रकार के गेहूं उत्पादित किए जाते हैं। उनमें से कुछ में प्रकार क्या है, पिस्सी, सरबती, 3077 और 141, सोनालिका, सोना, कल्याण, मालवी, मैक्सिकन और चंदोसी आदि। ये सभी क्या है, भारत में उपजाने गेहूं के नाम है। मिट्टी और जल, जो हवा, वातावरण, जलवायु है, इनकी विभिन्नता पे गेहूं की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता में अंतर आता है। और गेहूं में उपस्थित प्रोटीन में गेहूं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रोटीन के आधार पर इन्हें विट्रियल गेहूं और मियली गेहूं। विट्रियल गेहूं क्या होता है, ये कठोर और सख्त प्रकृति का होता है। इससे क्या होता है, ब्रेड, बिस्किट, केक, बेकरी जो अन्य पदार्थ हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है तथा शर्करा आपस में दृढ़ता से बंधे रहते हैं। और मेली गेहूं या है, ये गेहूं नरम प्रकृति का होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः रोटी बनाने में किया जाता है। इस गेहूं से कई भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जैसे आटा, मैदा, दलिया, सूजी आदि। आटा तो आप सभी लोगों को पता है, चक्की में पीस का आटा तैयार किया जाता है, उससे रोटी, पराठे आदि बनाए जाते हैं। तो चक्की का उपयोग किया जाता है इसको पीसने में। हाथ से पीसे आटे में पौष्टिक मूल्य अधिक होता है, जबकि मशीन से जो आटा पीसा जाता है
तो पीसने के दौरान तेज ताप और घर्षण के कारण इनके पौष्टिक तत्वों का नाश हो जाता है। मैदा क्या है? मैदा गेहूं से मैदा बनाते हैं। गेहूं का निर्धारित नमी कितना होना चाहिए? 15 से 15.7%। और एक निश्चित अवधि तक इस रखा जाता है ताकि छिलका एवं भ्रूण को आसानी से हटाया जा सके। तो गेहूं से जब मैदा तैयार किया जाता है तब 50% विटामिन एवं खनिज लवणों का नाश हो जाता है, इसलिए मैदे का पौष्टिक मूल्य जो है आटे की अपेक्षा कम होता है। मैदा बनाने की प्रक्रिया में गेहूं से छिलका तथा भ्रूण को अलग करके केवल इसके भ्रूणपोष एंडोस्पर्म को महीन पीसा जाता है, और पीसने के उपरांत इसे छान लिया जाता है ताकि चोकर बाहर निकल जाए, और मैदे को ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ब्लीचिंग करके इसका रंग सफेद किया जाता है। और ब्लीचिंग के लिए इसमें बेंजाइल पेरोक्साइड और क्लोरीन डाइऑक्साइड आदि ब्लीचिंग जो है उनका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से ब्लीचिंग कार्य अल्प समय में रसायनों की सहायता से ब्लीचिंग कार्य अल्प समय में संपन्न हो जाते हैं। तो मैदा क्या है? ये एक महीन बारीक पिसा हुआ गेहूं है। दलिया, दलिया का पौष्टिक मूल्य आटे के बराबर होता है और पिसा हुआ गेहूं दलिया कहलाता है, मोटा पिसा हुआ। इसमें रेसे थायमिन खनिज लवणों की प्रचुरता होती है। यह पौष्टिक होता है। इसका उपयोग बच्चे, वृद्ध, गर्भवती माताएं, कब्ज रोगियों को नाश्ते के रूप में किया जाता है, और कब्ज से बचाव हेतु दलिया का उपयोग श्रेष्ठ होता है। तो दलिया क्या है? दलिया आपका मोटा पीसा गेहूं होता है। सूजी, सूजी कड़े और सख्त प्रकार के गेहूं के दानों से तैयार किया जाता है। इसका प्रयोग हलवा, उपमा, इडली, डोसा आदि व्यंजन तैयार करने में किया जाता है। और सूजी हेतु जो गेहूं को रवे के रूप में पीसना पड़ता है, इसके के लिए क्या इतना विशेष प्रक्रिया अपनाई पड़ती है? परिपक्वता, मतलब इसकी गुणवत्ता में वृद्धि। जो मैदे से ब्रेड, बिस्कुट, बेकरी के अन्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं तो उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हेतु परिपक्वता की जाती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? मैदे को 1 से 2 माह तक संग्रहित करके घर में रखा जाता है, जिसके कारण मैदे में उपस्थित कुछ एंजाइम परिवर्तित होते हैं। इस परिवर्तन में मैदा में उपस्थित जो वसा है वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में विघटित होकर वशीय अम्ल बनाते हैं, जो पुनः लाइपोऑक्सीजिनेट एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण सल्फर ग्रुप में परिवर्तन आता है। इन्हीं परिवर्तनों को परिपक्वता या एजिंग कहते हैं। इसके कारण ब्रेड, केक एवं बिस्किट जो है वो उत्तम गुण वाले होते हैं। और गेहूं का पोषक मूल्य, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति को लगभग 250 से 300 ग्राम गेहूं का उपयोग आटा, सूजी, दलिया, मैदा आदि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसका 1/3 भाग कैलोरी का तथा 50% प्रोटीन प्राप्त होता है। तो प्रोटीन जो है, गेहूं में 2 तरह के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ग्लूटीन, ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन होते हैं। तो ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन इन दोनों को ही प्रोटीन को सम्मिलित रूप में ग्लूटीन कहते हैं। और गेहूं में प्रोटीन जो होता है इसको ग्लूटीन कहलाता है। और ये उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं में प्रोटीन की मात्रा लगभग 10 से 14% तक होती है, और निम्न कोटि के गेहूं में 8 से 9% तक प्रोटीन उपस्थित रहता है। और सूजी में 4%, मैदे में 10% गेहूं में उपस्थित रहता है। गेहूं में उपस्थित ग्लूटीन के कारण ही गेहूं के आटे को भिगोने उसमें लसलसा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आटे में लोच आता है। परंतु आप ब्रेड, रोटी, केक, बिस्किट आदि आसानी से बनाए जाते हैं। तो गेहूं का प्रोटीन जो होता है ये अपूर्ण प्रोटीन होता है। इसमें कई आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित नहीं होते, जैसे कि लाइसिन हो गया, थ्रियोनिन का, इन सब का अभाव होता है, और ये अमीनो अम्ल गेहूं में अनुपस्थित रहते हैं। तो गेहूं से बने रोटी या व्यंजन जो है का उपयोग जो है दाल, अगर इनका उपयोग दाल, दूध, मांस, अंडा आदि के साथ प्रयोग किया जाए तो इसकी कमी पूरी हो जाती है। अतः तो दाल और अनाज का रेशियो 1:1 होना
टू में रखना चाहिए, ये सर्वोत्तम होता है। कार्बोज के गेहूं में कार्बोज जो है स्टार्च के रूप में होता है, ये 60 से 80% तक होता है। वसा गेहूं में वसा जो है कम, बहुत ही कम होती है, ये 1.5 ग्राम पर 100 ग्राम होता है। विटामिन गेहूं में थायमिन निकोटीनिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, लेकिन मशीन से पीसने वाले मशीन से घर्षण ताप के कारण अधिक मात्रा में विटामिन की नाश हो जाती है। खनिज लवण गेहूं में फास्फोरस कैल्शियम तथा लोह लवण उपस्थित होता है, और मैदे तथा सूजी में खनिज लवणों की मात्रा 50% तक कम हो जाती है, अतः इसकी पूर्ति जो है प्रबलीकरण या समृद्धिकरण तथा संपूरक तत्व डालकर किया जाता है। गेहूं को अंकुरित करने से इसमें विटामिन सी तथा ई उत्पन्न हो जाते हैं, और गेहूं के अंकुर का तेल विटामिन ई प्राप्ति के उत्कृष्ट साधन है। अधिकांश गृहिणियां क्या रोटी बनाते समय आटे को छान कर चोकर फेंक देती हैं। आटे में सभी पौष्टिक तत्व उपस्थित नहीं होते, क्योंकि चोकर के साथ ही लोहा थायमिन फास्फोरस भी निकल जाते हैं, तो रोटी बनाते समय आटे के चोकर को छान कर अलग नहीं करना चाहिए। गेहूं को यदि दलिया के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि गेहूं का वाम आवरण का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं के वाम आवरण में लोहा विटामिन B1 फास्फोरस कैल्शियम उपस्थित होता है। आते हैं चावल। चावल जो है ये जो है विश्व भर में इसका उपयोग किया जाता है, और विश्व की फसल माना जाता है। संपूर्ण विश्व का लगभग 50% जनसंख्या चावल का उपयोग करती है, और चावल का उत्पादन विश्व भर के देशों में होता है। एशिया में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत में विभिन्न राज्यों में, खासकर आपके केरल में, दक्षिण भारत में और पूर्वी भारत में चावल का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। अन्य देशों की तुलना में चावल का उत्पादन भारत में 50% कम होता है। इसका मुख्य कारण है समय पर वर्षा न होना, बाढ़, सूखा, सिंचाई के साधनों का अभाव, खेती करने के पुराने तरीके, आवश्यक साधनों की कमी आदि। और लाल चावल जो है ये सबसे निकृष्ट कोटि का माना जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः क्या होता है, जो गरीब किसान एवं मजदूर रहते हैं करते हैं। धान से चावल तैयार करने के तरीके पर भी चावल की गुणवत्ता निर्भर करती है। तो भारत में धान से चावल जो है वो दो रूपों में तैयार किया जाता है, एक है अरवा चावल, दूसरा है उसना चावल। जो अरवा चावल है इसे प्राप्त करने के लिए पहले धान को सुखाकर हाथ से अथवा मशीन से कुटवाया जाता है, फिर धान कुटवाने से इसका बाहरी परत निकल जाता है जिसे भूसी कहते हैं। तो हाथ से कुटा चावल अधिक पौष्टिक होता है, क्योंकि इसका बाहरी परत पूरी तरह नहीं निकलता है और पौष्टिक तत्वों का नाश कम होता है। मशीन से कुटे चावल में कम पौष्टिकता होती है। उसना चावल में इसे क्या कहते हैं, सेला चावल अथवा अध उबला चावल भी कहते हैं, क्योंकि इसे तैयार करने हैं तो धान को 1-2 दिन तक पानी में फुलाकर फिर छानकर उबाला जाता है, और उबले हुए धान को 2-3 दिन तक पतली परत के रूप में जमीन में छाए में फैलाकर थोड़ा सुखाया जाता है, और इसी बीच में उल्टा पलटा जाता है ताकि धान सड़ने नहीं पाए, और इसके बाद धूप में सुखाकर मशीन या हाथ से कूटा जाता है। और भारत में उसना चावल तैयार करने की प्रथा बहुत पहले से चल रही है, तो वर्तमान में उसना चावल तैयार करने हेतु मुख्यतः दो प्रक्रियाएं की जाती है, मैकेल प्रक्रिया और HR कन्वर्सन प्रक्रिया प्रोसेस। तो मैकेल प्रक्रिया में क्या करते हैं, मैकेल प्रक्रिया में धान को 30 सेल्सियस तापक्रम वाले पानी में 3 से 4 घंटे तक रखा जाता है। भाप के दबाव में इसे 15 से 20 घंटे तक पकाया जाता है। 2-3 दिन तक पतली परत के रूप में जमीन में डालकर फैलाकर निर्जलीकृत किया जाता है। थोड़ा सूख जाने के उपरांत धूप में 5-6 घंटे तक सुखाया जाता है। इसके बाद धान को मिल या हाथ से कूटा जाता है। HR कन्वर्जन प्रक्रिया में क्या करते हैं, चावल को पानी में भिगोकर 5-6 घंटे तक रखा जाता है। इसे छान कर 75 से 85 सेल्सियस तापक्रम पर 3-4 घंटे तक रखा जाता है। इसे पानी छान कर निकाला जाता है, फिर 20 से 25 मिनट तक आग पर पकाया जाता है। इसके पश्चात इसे जमीन पर फैलाकर छाया में 3-4 दिन तक सुखाया जाता है। तत्पश्चात धूप में सुखाया
जाता है, फिर मिल में या हाथ से कूटकर चावल तैयार किया जाता है। तो उसना चावल के लाभ क्या हैं? ये क्या है, धान से भूसी अलग करना आसान होता है, चावल का दाना सख्त एवं मोटा हो जाता है, कीड़े एवं फफूंद जल्दी नहीं लगते, पौष्टिक तत्वों में वृद्धि हो जाती है, धान से चावल तैयार करते समय दाने कम टूटते हैं, और उसना चावल में थायमिन, लोहा, अन्य खनिज लवणों का नाश होता है। पकाने वाले दाने अधिक फूलते हैं, दाने एक दूसरे से नहीं चिपकते, अतः चावल खिला खिला दिखता है। लेकिन उसना चावल का मुख्य दोष यह है कि यह देखने में भद्दा मटमैला है और अनाकर्षक लगता है, इसमें रंग एवं सुगंध दोनों ही नहीं होते, अतः यह दोष को दूर करने हेतु तो चावल की पॉलिश की जाती है। अब आते हैं मशीन से धान कूटना। चावल को प्राप्त करने के लिए धान को मिल में कूटा जाता है, जिससे इसकी बारीक परत, भूसा एवं अंकुर अलग हो जाते हैं। हाथ से धान कूटने हेतु तो लकड़ी का बना उखली, मूसल या ढेकी का उपयोग किया जाता है, और चावल के रंग एवं चमक में वृद्धि लाने हेतु तो पॉलिश की जाती है। पॉलिश हेतु तो शक्कर का विशेष प्रकार का पाउडर का उपयोग किया जाता है। पॉलिश करने की प्रक्रिया में चावल में उपस्थित खनिज लवण का आधे से अधिक अंश तथा लगभग समस्त विटामिन नष्ट हो जाते हैं, और आजकल चावल की पॉलिश हेतु सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मिलिंग या इसको SEM शॉर्ट फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया में चावल को कुछ समय तक हेक्सेन के साथ रखा जाता है। इसके कारण चावल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे चावल का बाहरी भूसा नरम हो जाता है, आसानी से अलग हो जाता है, और चावल पॉलिशयुक्त चावल में पौष्टिक तत्वों में विटामिन B1 तथा खनिज लवणों की पूर्ति हेतु चावल को खनिज लवण या विटामिन B1 से संपन्न किया जाता है। चावल को विटामिन B1 के अम्लीय घोल में कुछ समय तक रखा जाता है। इसके बाद चावल पर ABC अम्ल तथा जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से चावल में विटामिन B1 उपस्थित हो जाते हैं। इसका दूसरा फायदा यह है कि चावल को धोते समय जो विटामिन B1 का नाश होता है, वो भी इस प्रक्रिया के कारण नहीं हो पाता है। पकाने में इसका स्वरूप अधिक आकर्षक बना रहता है, अतः चावल का पौष्टिकता भी बरकरार रहती है। चावल के पोषक मूल्य। चावल में 6 से 7% ग्लूटेलिन प्रोटीन होता है। इसका मुख्य प्रोटीन ग्लूटेलिन होता है, और अन्य प्रोटीन में ग्लोबुलिन, प्रोआमिन, अल्ब्यूमिन अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। प्रोटीन का जैविक मूल्य कम तथा पाचन क्षमता अधिक होती है। चावल का प्रोटीन अपूर्ण किस्म का होता है, क्योंकि उसमें लाइसिन तथा थियोनिन अमीनो अम्ल का अभाव होता है। तो दाल, दूध, मांस, मछली, अंडा, दही आदि के साथ चावल का सेवन करना उत्तम रहता है। कार्बोज, चावल का कार्बोज जो है प्राप्ति का ये उत्कृष्ट साधन है, और चावल में कार्बोज स्टार्च के रूप में रहते हैं। ये दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन। जो नए चावल होते हैं उसमें एमाइलोज की मात्रा अधिक होती है तथा एमाइलोपेक्टिन की मात्रा कम होती है। एमाइलोज की अधिकता के कारण नया चावल कम फूलता है, जल्दी पकता है तथा दाने एक दूसरे से चिपकते हैं और लेई का रूप धारण कर लेता है। संग्रह करने पर चावल में उपस्थित एमाइलोज की मात्रा कम तथा एमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए जब पुराने चावल को पकाया जाता है तब इसके दाने एक दूसरे से नहीं चिपकते और वह खिले खिले दिखते हैं। साथ ही से पकाने में पानी अधिक अवशोषित होते हैं तथा चावल के दाने अधिक फूलते हैं। तो पुराने चावल गुणवत्ता में नए चावल की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं, साथ ही पुराने चावल सुपाच्य होते हैं। वसा, इसमें वसा बहुत ही कम 1.65% होता है, अतः चावल जल्दी खराब नहीं होते हैं। खनिज लवण, खनिज लवणों की दृष्टि से चावल बहुत ही निकृष्ट होता है। अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा चावल में कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एवं लोहा अत्यंत ही अल्प होता है, और चावल में फास्फोरस फाइटिक अम्ल के रूप में उपस्थित रहता है। इसी कारण इसमें उपस्थित जो कैल्शियम एवं फास्फोरस का अवशोषण शरीर में नहीं हो पाता है। और एंजाइम्स, इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे अल्फा एमाइलेज, ऑक्सीडेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, फिनोलेज आदि। तो नए चावल में जो अल्फा एमाइलेज है उसकी अधिकता होती है,
इसी का है, इसके दाने पकाने पे एक दूसरे से चिपकते हैं, संग्रह के दौरान अल्फा एमाइलेज की क्रियाशीलता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, तो पुराना चावल खिला खिला बनता है। विटामिन, चावल में विटामिन B1 तथा निकोटीनिक अम्ल भरपूर मात्रा में मिलता है, परंतु मिलिंग तथा पॉलिशिंग में इस तत्व का नाश हो जाता है। तो चावल के रंग उसमें उपस्थित एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। कुछ चावलों को पकाने में उसमें विशेष प्रकार की खुशबू आने लगती है, जैसे बासमती चावल हो गए उसमें। तो चावल पकाते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे चावल को पकाने से पहले बहुत अधिक रगड़ रगड़ के नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धोने से इसका 60 से 70% विटामिन B1 नाश हो जाता है। और चावल को पकाने के बाद इसके पानी को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसमें थायमिन की प्रचुरता रहती है। चावल को प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए। नए चावल पकाते समय कम पानी का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अधिक पानी डालने से चावल गलकर लेकर रूप ग्रहण कर लेता है। और पुराने चावल पकाते समय अधिक पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुराना चावल अधिक फूलता है। मक्का, विश्व के अनेक देशों में मक्का का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, और अफ्रीका में इसका प्रयोग तो सर्वाधिक किया जाता है। मक्के की उत्पत्ति का मूल स्थान जो है वो अमेरिका है, और वहीं से यह भारत में आया। भारत के अनेक प्रदेशों में मक्का महत्वपूर्ण खाद्यान्न के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गरीबों एवं मजदूरों का प्रमुख भोजन है। अफ्रीका वासी भी मक्के का उपयोग मुख्य भोजन के रूप में करते हैं, और सूखे मक्के को पिसवा कर आटा तैयार किया जाता है, उनकी रोटी बनाई जाती है। कच्चे मक्का को भुट्टा कहा जाता है, इसे आग में भून कर खाया जाता है, और इसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसे खीर, खिचड़ी, पकौड़ा और कचौड़ी, कटलेट आदि। और मक्के से के जो स्टार्च से हैं, शर्करा, चाशनी, शराब बनाए जाते हैं, और सूखे मक्के को भून कर पॉपकॉर्न खाया जाता है। तो मक्के की संरचना है, उसमें उपस्थित जो स्टार्च की मात्रा, उसका वर्गीकरण निम्न अनुसार है। तो पहला है फ्लोर कॉर्न। फ्लोर कॉर्न क्या है? इस श्रेणी के मक्के का आकार सबसे बड़ा होता है, ये नरम प्रकृति का होता है, और आटा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉपकॉर्न, इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण ये उच्च तापमान पर फूल जाता है, और फूलने के पश्चात भी इसका वाम आवरण इससे चिपका रहता है। डेंट कॉर्न, इस प्रकार के मक्के में दाने के छिलके के नीचे सख्त स्टार्च तथा मध्य में नरम स्टार्च होता है। जब मक्का पकने लगता है, तभी इनका दाना किसी एक स्थान से दब जाता है, इसी कारण इसे डेंट कॉर्न कहा जाता है। स्वीट कॉर्न, इस प्रकार के मक्के में कुछ मात्रा में डेक्सट्रिन शर्करा उपस्थित रहती है, जिसके कारण यह खाने में मीठा लगता है। इसका उपयोग अधिक भूनकर खाने में किया जाता है, विशेषकर जब मक्का कच्ची अवस्था में रहता है। इसके बाद क्या है? फ्लिंट कॉर्न एक है। फ्लिंट कॉर्न, यह मक्का उच्च कोटि का होता है, और इससे मुलायम और स्वादिष्ट रोटी तैयार की जाती है। वैक्सी कॉर्न, इस प्रकार के मक्के में एमाइलोपेक्टिन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इस कारण इसका प्रयोग उद्योगों में विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ तैयार करने में किया जाता है। मक्के का पोषक मूल्य, जो प्रोटीन होता है वो ताजे मक्के में 5.5% और सूखे मक्के के आटे में 11% प्रोटीन उपस्थित होता है। मक्के का प्रोटीन प्रोलामीन कहलाता है। यह प्रोटीन अपूर्ण एवं निम्न कोटि का होता है, क्योंकि इसमें लाइसिन तथा ट्रिप्सिन जो है वो नहीं होता है, और मक्के में ग्लूटेलिन जीन और प्रोटीओज भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। मक्का में ल्यूसीन अमीनो अम्ल पाया जाता है, जो ट्रिप्टोफैन के नियासीन के बदलने में बाधा उत्पन्न करती है, तो मक्के में उपयोग में जो शरीर में नियासीन की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और पेलाग्रा रोग हो जाता है। और तो मक्के में वो दूध, दाल, मांस, अन्य जो खाद्य पदार्थ है उनके साथ कर प्रयोग करना श्रेष्ठ रहता है, और गेहूं के साथ मक्का की मिंगी की वाम त्वचा रेशे युक्त होती है। इसके नीचे प्रोटीन और सल्फर फास्फोरस, सॉरी, गेहूं के समान मक्के की मिंगी की वाम
त्वचा रेशे युक्त होती है और इसके नीचे प्रोटीन और फास्फोरस ग्लूटीन की परत होती है और इन्हीं वाम परतों में अंकुर स्थित होता है जो कि संपूर्ण दाने का 1/10 भाग होता है। तो जो एंडोस्पर्म होता है वो संपूर्ण मिंगी का 8/10 से 9/10 भाग तक होता है। और कार्बोज जो है ताजे मक्के में 24.6% तथा सूखे मक्के में 66.2% कार्बोज स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। अंकुर में स्टार्च की मात्रा कम होती है और एंडोस्पर्म में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। वसा ताजे मक्के में 8.8% वसा और सूखे मेवे में 3.6% उपस्थित रहती है और इसकी इनकी वसा साधारण ताप पर द्रवित हो जाती है, इसलिए इनका आटा जल्दी ही खराब हो जाता है। विटामिन्स, हाँ, मक्का में थायमिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है परंतु पेंटोथेनिक अम्ल, राइबोफ्लेविन एवं अन्य विटामिन अत्यंत अल्प मात्रा में पाया जाता है। और समस्त खाद्यान्नों के अपेक्षा मक्के में विटामिन ए और सब विटामिन ए जो है वो प्रो विटामिन कैरोटीन जो है सबसे अधिक पाया जाता है और इसी के कारण इसके आटे का रंग क्या होता है, पीला होता है, क्योंकि विटामिन ए क्या है, पीले भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। खनिज लवण, मक्के में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। वसा की अधिकता के कारण मक्का को पशुओं का मोटा बनाने के लिए खिलाया जाता है और विशेषकर सूअर और खरगोशों को मक्का बहुत अधिक मात्रा में खिलाया जाता है। अमेरिका में मक्का का उपयोग भोजन के रूप में भी करते हैं और मक्का का जो लोग अधिक उपयोग करते हैं उन्हें पेलाग्रा रोग हो जाता है क्योंकि उसमें नियासिन का अभाव होता है। अब आते हैं ज्वार बाजरा। ज्वार तथा बाजरे को अंग्रेजी में मिलेट कहते हैं। इसका मिलेट का अर्थ है हजार से, मतलब इस पौधे से हजारों संख्या में दाने निकलते हैं। ज्वार बाजरे का उत्पादन जो है वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया के कुछ हिस्सों में होता है। भारत में भी इसका खूब उत्पादन होता है। तो ज्वार व बाजरा एवं मक्का की अपेक्षा अधिक उपयोगी और पौष्टिक है। इसमें वसा की मात्रा चावल की अपेक्षा 15 गुना और इस क्योंकि इसमें और गेहूं की अपेक्षा ज्वार बाजरे में 2 गुना ज्यादा वसा होता है, परंतु इसमें प्रोटीन की मात्रा कम साथ ही निम्न कोटि का भी होता है। और इन खाद्यान्नों में चावल की अपेक्षा उत्तम कोटि का प्रोटीन होता है। यही कारण है कि ज्वार बाजरा खाने वाले अधिक स्वस्थ, तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट, फुर्तीले होते हैं और ज्वार बाजरा चावल की अपेक्षा अधिक उपयोगी, स्वास्थ्यवर्धक एवं फायदेमंद होता है। तो ज्वार में जो है वो ल्यूसीन की मात्रा अधिक होती है जो आइसोल्यूसीन की अवशोषण में बाधक साबित होती है। तो ज्वार को मेथी के साथ उपयोग में लाना चाहिए। बाजरे के प्रोटीन में लाइसिन और मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन अन्य अनाजों की अपेक्षा अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है और लौह तत्व भी इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। बाजरे में विटामिन ए एवं बी गेहूं के समान ही होता है, परंतु खनिज लवण एवं प्रोटीन की मात्रा कम होती है। दालें एवं फलियां, शाकाहारियों के लिए दाल फली प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत होता है और अनाजों की भांति दाल एवं फलियां भी वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होती है, लेकिन जो दाल होते हैं वे द्विदलीय। अभी अनाज जो है वो क्या होता है, एक दली होते हैं और ये द्विदलीय होते हैं, अर्थात इसमें बीच में दो दल होते हैं। दालों में क्या होता है, 18 से 25% प्रोटीन उपस्थित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन क्या है, सर्वाधिक होता है, 43% होता है। इसे गरीबों का मांस भी कहा जाता है। और भारत में मुख्यतः कौन कौन से दाल, मूंग, मसूर, चना, लोबिया, अरहर आदि दालें उपयोग में ली जाती हैं। और चना का दाल का उपयोग सर्वाधिक होता है। चने की दाल से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। तो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में दालों का उपयोग दो रूपों में होता है, वो है साबुत या छीले वाले दाल और छिलके वाले दाल, अधूली या बिना छिलके वाले दाल।
दालों का पोषक मूल्य। प्रोटीन, दाल प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम स्रोत है। दाल में पशुजन्य भोज्य पदार्थ से अधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है, परंतु प्रोटीन अपूर्ण होता है क्योंकि उस प्रोटीन में एक या एक से अधिक आवश्यक अम्ल की कमी होती है, जैसे मिथियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन, अमीनो अम्ल, इन सभी का अभाव होता है और इन्हें अनाज के साथ पकाने से मिथियोनाइन की कमी पूरी हो जाती है। अनाजों की अपेक्षा दालों में अधिक लाइसिन थियोनिन पाए जाते हैं, परंतु सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव होता है और ल्यूसीन हो गया आपका, फिनाइल एलानिन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है। दालों का प्रमुख प्रोटीन जो है वो ग्लूटामिक होता है और थोड़ी मात्रा में एल्ब्यूमिन भी उपस्थित होता है और सोयाबीन के प्रोटीन में सभी आवश्यक अम्ल उपस्थित होते हैं। साथ ही सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। दालों के प्रोटीन अणु भार अधिक होता है, इसका इसकी पाचन क्षमता कमजोर होती है। इसके अतिरिक्त दालों में फाइटिन एवं पॉलीफिनॉल भी उपस्थित होता है, इसके कारण भी पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, परिणाम तो दालों का कुल पोषण मूल्य प्रभावित होता है। कार्बोज, दालों में कार्बोज स्टार्च के रूप में 55 से 61% होता है। वसा, दालों में वसा की मात्रा बहुत कम 1 से 2% तक होती है, परंतु सोयाबीन में वसा की मात्रा जो है वो 20% तक होती है और ये जो है वसा बहुअसंतृप्त अम्ल PUA रूप में होता है, जिसके कारण जब इनका संग्रह किया जाता है तो कई रासायनिक एवं एंजाइमेटिक क्रियाएं हो जाती हैं, परंतु प्रोटीन सहित अन्य पोषक मूल्य कम हो जाते हैं। खनिज लवण, दालों में फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा भी उपस्थित रहता है, परंतु इसका कैल्शियम फाइटिन के रूप में उपस्थित रहता है और शरीर में इसका अवशोषण नहीं हो पाता है। अंकुरण, खमीरीकरण, पकाने, भिगोने, रखने आदि प्रक्रिया से फाइटिन की मात्रा कुछ कम हो जाती है। विटामिन्स, दालों में थायमिन, विटामिन B1 एवं नियासिन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अल्प मात्रा में विटामिन B2 एवं A पाया जाता है। दालों में विटामिन C की कमी होती है, ये नहीं होता है विटामिन सी दालों में। दालों के विषैले तत्व, दालों में कुछ विषैले तत्व पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लूटिनिन्स जो है ये छोटी आंत की दीवारों में पाचक पाचन के तत्वों का अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। ट्रिप्सिन अवरोधक अम्ल अल्फा एमाइलेज तथा काइमोट्रिप्सिन उपस्थित होते हैं, जो एंजाइम तथा पाचक प्रशु की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण प्रोटीन एवं कार्बोज का पूर्णतः पाचन और शोषण नहीं हो पाता है। अल्किलाइड्स हो गया, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हो गया, सेपोनिन हो गया, ग्लाइटोजन हो गया और केसरी दाल का टॉक्सिन। केसरी दालों में एक विशेष विषैले प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में जाकर लेथार्जिक रोग उत्पन्न करते हैं, तो विषैले तत्व जो है उनको हटाने के लिए उसमें उपस्थित विषैले तत्व को ताप के द्वारा हटाया जा सकता है। ट्रिप्सिन प्रतिरोधक तत्व एवं हिमोग्लूटेनिन विष ताप के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं और इसके साथ साथ भिगोने, पकाने, अंकुरित करने तथा खमीरीकृत करने की प्रक्रिया में दालों में उपस्थित सभी प्रकार के विषैले तत्व या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो इनके जो पोषक तत्व हैं निम्न प्रक्रियाओं का काफी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अंकुरण से क्या होता है कि दालों के पौष्टिक तत्व तो विशेषकर विटामिन B1, B2, नाइसिन तथा विटामिन सी की मात्रा में काफी वृद्धि हो जाती है और अंकुरण के कुछ विषाक्त तत्व तो की मात्रा में काफी कमी हो जाती है। अंकुरण से कार्बोज की कुछ मात्रा शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। फिर है खमीरीकरण। खमीरीकरण की प्रक्रिया से दालों में फाइटेट की मात्रा में कमी हो जाती है, तथा दाल में उपस्थित लो लवण भी मुक्त हो जाते हैं, जिसके कारण इसका अवशोषण हो जाता है और लो लवण के अवशोषण में फाइटेट बाधा उत्पन्न करता है। खमीरीकरण प्रक्रिया में दालों की पाचन क्षमता, स्वाद तथा पोषण मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है और खमीरीकरण से विटामिन बी समूह तथा सी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। सोयाबीन का दाल खमीरीकरण करने से इसमें प्राणिज प्रोटीन की तरह गुण एवं पौष्टिकता उत्पन्न हो जाती है। अब पकाना,
पकाने से दालों में उपस्थित ट्रिप्सिन प्रतिरोधक तत्व जो कि एक विषैला पदार्थ है नष्ट हो जाता है, अदर ट्रिप्सिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है जिसके कारण इधर दालों की पाचन क्षमता और स्वाद में वृद्धि हो जाती है। दालों तथा फलियों के प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, अतः ये खाने योग्य हो जाते हैं तथा आसानी से पच जाते हैं। दालों को खुले बर्तन में नहीं पकाना चाहिए क्योंकि उसमें उपस्थित थायमिन का नाश हो जाता है, और दालों को प्रेशर कुकर में पकाना ही उत्तम विधि है। दालों को पकाते समय खाने वाले सोडा का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे विटामिन बी समूह का नाश होता है। दालों को पकाते हेतु कम से कम समय का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा दालों में प्रोटीन की गुणवत्ता लाइसिन अमीनो अम्ल के नष्ट हो जाने से कम हो जाती है। इसलिए दालों को पकाने से पूर्व 1 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं, पकाने में कम समय लगता है और ईंधन कम व्यय होता है। और दालों को पकाते समय यदि थोड़ी सी मात्रा में वसा डाल दिया जाए तो जल्दी पक जाते हैं और दालों के स्टार्च का जलीकरण हो जाता है क्योंकि वाम आवरण मुलायम हो जाते हैं। फिर है डिकॉर्टिकेशन। डिकॉर्टिकेशन क्या है? संपूर्ण दालों के ऊपर का छिलका हटाने की प्रक्रिया को डिकॉर्टिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दाल का अंकुर अलग हो जाने से दाल में थायमिन की मात्रा कम हो जाती है। यद्यपि संपूर्ण दाल की तुलना में दाल मूंगर का भोज्य मूल्य कम हो जाता है, परंतु पाचन क्षमता बढ़ जाती है। पकाने में समय कम लगता है और स्वाद अच्छा होता है। भिगोने में, भिगोने से 6 या 8 घंटे तक अगर भिगोया जाए तो फैटी अम्ल की मात्रा में काफी कमी हो जाती है। दालों के प्रोटीन शांत पदार्थ। दालों को का प्रोटीन जो है अलग कर उसका सांद्रता किया जाता है जिसके कारण इसकी पाचन क्षमता है जैविक मूल्य वृद्धि हो जाती है और दाल श्रेष्ठ गुण वाले हो जाते हैं। ऐसे प्रोटीन शांत पदार्थों से प्रोटीन कुपोषण की समस्या का समाधान किया जा सकता है। और जो दाल है, दाल का जो उपयोग है उनको आप अनाज के दाल को मिलाकर पकाया जाता है, जैसे खिचड़ी अनाज और दाल को मिला के खिचड़ी डोसा, और चने को भूनकर पीसकर सत्तू तैयार किया जाता है, और दाल को उबालकर या छोकर छौका लगाकर तरल रूप में तैयार किया जाता है। दालों में थोड़ी मात्रा में सब्जियां डालकर पकाए जाते हैं। चने को पीसकर बेसन बनाया जाता है जिससे अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, और गीली पीसी दाल के पकौड़े, कड़ी, बड़ी, आलू बड़ा आदि बनाए जाते हैं। फलियों को अंकुरित करके उन्हें कच्चा भूनकर खाया जाता है आदि। अब आते हैं सोयाबीन। सोयाबीन जो है सोयाबीन दाल के अंतर्गत ही आता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। इसे राम दर्द भी कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक प्रोटीन 43% प्रोटीन और 20% वसा होता है, और इससे तेल भी निकाला जाता है। अतः इसके खली को सोयाबीन के बड़ी के रूप में खाने में प्रयोग किया जाता है। सोयाबीन अधिक पौष्टिक होता है। इसमें मांस की अपेक्षा दुगना, अंडे एवं अन्य अनाजों की अपेक्षा 4 गुना प्रोटीन होता है। सोयाबीन का जन्म स्थान चीन माना जाता है, वहीं से ये भारत तथा अन्य देशों में आया। अब आते हैं सोयाबीन का जो दूध है, विभिन्न प्रकार से सोयाबीन का प्रयोग अनेक रूपों में किया जाता है। तो जो सोयाबीन का दूध है इसके तैयार करने हेतु सोयाबीन को पहले पानी में 24 घंटे तक तो भिगोते हैं, उसके पश्चात उसकी ऊपरी छिलके को मुलायम हो जाता है, इस बाहरी आवरण को हटाया जाता है और बारीक महीन पीसकर पानी में घोला जाता है। फिर इसे स्वच्छ महीन सफेद मलमल के कपड़े से छानते हैं तथा 40 पौंड दाब और 30 मिनट गर्म करते हैं, दाब पर इसे गर्म करते हैं ताकि इसमें उपस्थित जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स है उनका नष्ट हो जाए, और इस दूध से दूध का पाउडर, दही आदि बनाया जाता है। तो सोयाबीन का जो दूध है वो प्रोटीन कुपोषित बालकों के लिए उत्तम आहार है। जो इसका दूध है वो गाय के दूध की अपेक्षा 1/6 कैल्शियम होता है इसमें, और 2/3 प्रोटीन होता है, 1/3 वसा का अंश होता है। सोयाबीन का तेल। मशीन की सहायता से सोयाबीन का तेल निकाला जाता है। यह तेल मूंगफली के तेल से अधिक पौष्टिक होता है क्योंकि उसमें असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, और आजकल तो सोयाबीन का तेल का उपयोग काफी बढ़ गया है। सोयाबीन का दाल। दाल के रूप में सोयाबीन का उपयोग किया जाता है। सोयाबीन की बड़ी या न्यूट्रीगेट्स नाम से बाजार में मिलता है। इसका प्रयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। सोयाबीन का आटा। सोयाबीन के आटे से बनी रोटी का उपयोग खाने में ही नहीं किया जाता बल्कि गेहूं के आटे के साथ मिलाकर पीसकर
पिसवाया जाता है और 10 किलो गेहूं में 2 किलो सोयाबीन मिलाने से प्रोटीन की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। सोयाबीन में ट्रिप्सिन इन मीटर्स पाई जाती है जो अपचनशील होता है, अतः आटे में पिसवाने से पहले इसे पानी में भिगोकर उबालकर सुखाकर तब पिसवाया जाता है। और बेसन में सोयाबीन मिलाकर पकौड़े बनाए जाते हैं। सोयाबीन की सूजी भी बनाई जाती है, इससे कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिठाइयाँ बनाए जाते हैं। सोयाबीन का पनीर बनाया जाता है। भारत के दक्षिण में कन्नूर में स्थित भोज्य अनुसंधान शाला में सोयाबीन पर अनेक प्रयोग किए गए तथा विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तैयार किए गए। पाश्चात्य देशों में सोयाबीन का उपयोग बिस्किट, केक, डबल रोटी, पाव रोटी आदि बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। सोयाबीन के पौष्टिक तत्व प्रोटीन वनस्पति स्रोतों से प्राप्त सभी भोज्य पदार्थों की अपेक्षा सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है और इसका प्रोटीन उत्कृष्ट प्रकार का होता है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इसमें मिथियोनिन की मात्रा कम होती है, इसका जैविक मूल्य भी अधिक होता है। तो इसमें जो है 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लाइसिनिन जो कि सबसे सर्वाधिक मात्रा में होता है, और ग्लूमेटलिन और पेसियोलिन। इसके बाद आते हैं विटामिन। सोयाबीन में विटामिन ए राइबोफ्लेविन रहता है और सोयाबीन में विटामिन सी बिल्कुल नहीं रहता है। इसके साथ साथ सोयाबीन में विटामिन B1, B2 तथा नियासिन भी पाया जाता है और वसा इसमें 17 से 20% तक उपस्थित होता है। और विटामिन खनिज लवण में फास्फोरस, कैल्शियम एवं लोहा प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। अन्य खनिज लवणों की मात्रा अत्यंत ही कम होती है। सोयाबीन की पाचन क्षमता कम होती है क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। सोयाबीन को अंकुरित अवस्था में बिना पकाकर खाने से नाड़ी एवं मांसपेशी संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसे पकाना आवश्यक होता है और ताप के प्रभाव से इसकी विषाक्तता नष्ट हो जाती है। सोयाबीन के अधिक लोकप्रिय न होने का मुख्य कारण यह है कि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो कि अरुचिकर होती है। तो सोयाबीन से बने कुछ विशेष भोज्य पदार्थ है, सोयाबीन का दूध, सोयाबीन का दही, सोयाबीन पेस्ट, सोया नाटो, सोयाबीन टेम्पे, सोया हेमा नाटो, न्यूट्रीनेगेट और सोया सॉस। सोयाबीन में स्टार्च की मात्रा बहुत कम 20% होती है और शुष्क सोयाबीन में यह 12% ही होता है। स्टार्च गैस्ट्रोनस और गैलेक्टस तथा डेक्सट्रिन रूप में विद्यमान रहते हैं। सोयाबीन का कैलोरी मूल्य अधिक होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में 432 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।